जो हमने अधिनियम बनाया, जो हमने डीसी के मिनट्स लिए, किसी में हमने इलेवन कर रहा हूँ, 134 की लिस्ट 108 कैसे हो गई? इन्होंने नगर निगम ने 134 की लिस्ट दी, अब वो 108 कह रहे हैं। उसमें से इन्होंने कहा 34 ऐसे थे जो कि 23 ऐसे थे जो 60% से ऊपर थे, अब वो भी कम हो गए। ये अधिनियम बनाने के लिए हमने जो प्रस्ताव रखा था ये वो है, उसकी कॉपी है ये अभी है। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer.
नीरज जी ने नीरज जैन ने वापस सवाल उठाया और उन्होंने भरे सदन में पार्षद नीरज जैन ने कहा कि ना मैं पैसे लेता हूँ ना लूंगा, मैं नहीं, कोई भी मेरे से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता है। और वो अपनी जगह सही थे कि उन्होंने जो वो नहीं लेते हैं तो उन्होंने बोल दिया मैं नहीं लेता हूँ। मेरा मानना है जो नहीं लेते हैं वो पार्षद यहाँ पे बोले पता है कि मैं नहीं लेता हूँ, उन्होंने अपनी बात कह दी, उस पर विपक्षी लोगों ने हंगामा मचा दिया। उनका ये कहना था कि भाई इसका मतलब हो गया कि आप नहीं लेते तो हम लेते हैं, वापस हमको चोर कर दिया। वही मुद्दा पुनः उठ गया और उठने के बाद फिर बात आई कि जब महापौर के पास गई तो महापौर साहब ने सीधा सीधा मैं निशाने पे था उनको, वो वैसे भी मुझे जीसी में रखना नहीं चाहते, उनको मालूम है मैं आऊँगा और बोलूँगा वो सुनना पसंद करते नहीं है। तो उन्होंने पुनः अपनी पावर का उन्होंने पुनः मेरे पे गलत ब्लेम लगाया है कि इसने आज पुनः ऐसा कहा है, जबकि मैंने नहीं कहा, वो तो नीरज जी ने कहा। वो बात आज मेरी प्रूव हो जाती है कि यहाँ पैसा चलता है, बापों के द्वारा पैसा दिया जाता है। आज मैं सारे सबूत लाया था जब उन्होंने कल आरोप लगाए थे मेरे पे कि भाई ऐसे मुकदमा दर्ज हो गया और एडीएम में पेपर चेंज कर दिए, एडीएम की सारी रिपोर्ट लाया जिससे आज इनको दिखा सकूं पटल पे, ये देखिए रिपोर्ट आप लोगों ने मिलके क्या करा। इस षड्यंत्र के पीछे मेयर है, पूरा मेयर लगा हुआ है, किस तरह से इसको कैसे भी नीचे दिखाना है। कारण साफ है कि मैंने भ्रष्टाचार के जो भी मैटर उठाए हैं, जो भी मुद्दे उठाए हैं, उनको ये दबाना चाह रहे हैं, उनको सामने उजागर नहीं होना चाह रहे हैं। इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये मेरी पार्टी का होते हुए एक चार साल, इसको साढ़े चार साल हो गए पार्षद बने हुए और इतना कैसे काम कर रहा है, ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुल मिला के ये मुझे दबाना चाह रहे हैं और मेरी आवाज़ को बिल्कुल बंद करना चाह रहे हैं जिससे सदन में नहीं है। और अभी कंडीशन ये है कि इनकी कल जो थी, आप लोगों ने भी देखा होगा कि पूरा सुनियोजित इनका प्लान था कि भाई ये जैसे ही बोलेगा मैं सारे पेपर निकाल लूंगा और बता दूंगा, सारी चीज़ें रेडी थी। हमारे ऑफिस से रिलेटेड, निगम से रिलेटेड जो भी सवाल पूछे जा रहे थे उनके लिए तो आज टाइम दिया था कि आज वो ऐसी बताएंगे कि कैसे क्या है, वो मेरे लिए पहले ही तैयारी थी। तो कल भी सुनियोजित था, आज भी जो हुआ है वो सुनियोजित है। जैसे ही हंगामा होगा इनके दो चार लोग आ जाएंगे, वो हाथापाई करेंगे, माहौल खराब करेंगे, फिर इसको निलंबित कर देंगे। और मैं बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार था। अब आपकी अगली रणनीति क्या है? मेरी रणनीति कुछ नहीं है, मेरी रणनीति तो आप लोग हो जो सामने मेरी बात को मैसेज को पहुंचा रहे हो, और जो सीएम साहब को लिखना है मेरे को लेटर, जो स्थितियां बतानी है, मेरे पास कुछ विभागों से फोन भी आए हैं और वो कल वाली घटना पेपर में जो आई है पैसे वाली घटना उसके लिए कर रहे हैं मेरे से बात, तो उनसे मैं उन्होंने टाइम लिया वाली बात पर आज भी आप आपके साथ में भी आता भाई क्या? कोशिश करी कि उन्होंने धक्का दे के मुझे निकालने की कोशिश करी, और ऐसे ही ये आपके रईस पार्षद है और मेन तो वही था, दूसरे पार्षद नहीं थे वो तो छुड़ा रहे थे। तो कुल मिला के उनका ये था कि हम इसको धक्का दे के निकालने वाली बात तो अभी भी आज भी मैं आज भी कायम हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं प्रशासन से भी चाहता हूँ, जो निगम प्रशासन तो काम नहीं करेगा, माननीय कलेक्टर सीएम मुख्यमंत्री से चाहता हूँ कि ये रिश्वत हमारे यहाँ कंटिन्यू चल रही है, आज भी चल रही है, और आज तरीके दूसरे हो गए, कुछ दलाल ऐसे हो गए वो पैसा देते हैं, मेयर साहब सीधे नहीं देते, उस समय तक मेयर साहब सीधे पैसा देते थे, और मैं कायम इस चीज़ के लिए, मैं तो कहता हूँ मुकदमा दर्ज हो।